हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ एसन गोयत। तो स्टूडेंट्स, पार्ट वन में हमने रिसोर्सेज के बारे में पढ़ा। व्हाट आर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या हैं, एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई अवर नीड। हमने आपको बताया कि हर वो चीज़ जो हमारी किसी ज़रूरत को पूरा कर सकती है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज हमने सीखा कि देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, नेचुरल, ह्यूमन मेड एंड ह्यूमन। हमने ये भी जाना कि नेचुरल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जो हमें नेचर से मिले हैं और जिन्हें हम अनलिमिटेड मात्रा में हमारे पास अवेलेबल हैं, जैसे वाटर है, एयर है, लैंड है, लेक्स हैं, माउंटेंस हैं, लेकिन हमें उनका यूज़ एक सोच समझ के करना होता है। नेचुरल रिसोर्सेज को आगे दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, रिन्यूएबल रिसोर्सेज एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आपको शायद याद होगा बच्चों कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज और रिन्यूएबल रिसोर्सेज में क्या डिफरेंस बताया गया था। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिन्हें शीघ्र ही दोबारा रिन्यू किया जा सकता है या यूज़ किया जा सकता है, पुनःपूर्ति किया जा सकता है, जैसे सोलर एंड विंड एनर्जी। रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऐसे रिसोर्सेज हैं जिनके हमारे पास अनलिमिटेड स्टॉक्स हैं, लेकिन फिर भी हमें उनका यूज़ बहुत सावधानीपूर्वक करना है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज हैं जिनका हमारे पास अनलिमिटेड स्टॉक नहीं है। यदि हमने एक बार उनको यूज़ कर लिया तो दोबारा उनको रिन्यू करने में हज़ारों साल लग जाते हैं, जो बहुत लंबा समय होता है, जैसे कोल है, पेट्रोलियम है और नेचुरल गैसेस हैं। अब हम जो थर्ड पार्ट है रिसोर्सेज का, वो है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। इससे पहले दो कौन से पढ़े हमने, नेचुरल रिसोर्सेज में हमने पढ़ा कि दो टाइप्स के हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन मेड रिसोर्सेज, जो सेकंड जो पार्ट है। सेकंड पार्ट कौन सा है, ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। ह्यूमन मेड रिसोर्सेज कौन से रिसोर्सेज हैं। नेचुरल सब्सटेंस बिकम्स रिसोर्सेज ओनली व्हेन देयर ओरिजिनल फॉर्म हैज़ बीन चेंज्ड। देखिए बच्चों, जो प्राकृतिक संसाधन हैं, जो प्राकृतिक पदार्थ हैं, वो संसाधन तभी बन पाते हैं जब हम उनका मूल जो रूप है वो बदल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आयरन ओर वॉज नॉट ए रिसोर्स अनटिल पीपल लर्न टू एक्सट्रैक्ट आयरन फ्रॉम इट। देखिए, आयरन ओर जो है तब तक एक संसाधन नहीं था, एक ह्यूमन मेड संसाधन नहीं था, जब तक कि हमने उसके अंदर से लोहा निकालने का जो टेक्नोलॉजी है, उन्हें ज्ञान है, वो प्राप्त नहीं कर लिया। पीपल यूज नेचुरल रिसोर्सेज टू मेक बिल्डिंग्स, ब्रिजेस, रोड्स, मशीनरी एंड व्हीकल्स, विच आर नोन एज ह्यूमन मेड रिसोर्स। अब इंसान या जो ह्यूमन बींग्स हैं, नेचुरल रिसोर्सेज का प्रयोग अनेक प्रकार से करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बिल्डिंग बनाने के लिए इनका यूज़ करते हैं, ब्रिजेज बनाने के लिए करते हैं, रोड्स बनाने के लिए करते हैं, जो अलग अलग प्रकार की मशीनरी है उसका बनाने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होता है, और जो व्हीकल्स हैं, आपकी गाड़ियाँ हैं, वो बनाने के लिए हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी इज़ ऑल्सो ह्यूमन मेड रिसोर्सेज। टेक्नोलॉजी भी स्टूडेंट्स एक ह्यूमन मेड रिसोर्सेज है, क्योंकि यही वो तरीका है जिसके द्वारा हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़फुल प्रोडक्ट्स में या ऑब्जेक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। स्टॉक ऑफ रिसोर्सेज क्या है, इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़। ये जो रिसोर्सेज के हमारे पास वो मात्रा है, उपलब्ध मात्रा है, जिसका हम उपयोग प्रेजेंट में या आने वाले समय में कर सकते हैं। थर्ड जो पार्ट है रिसोर्सेज का, वो है ह्यूमन रिसोर्सेज। अब देखिए स्टूडेंट्स, जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं उनका हम बेस्ट यूज़ तभी कर पाते हैं
जब हमारे पास वो नॉलेज हो, वो स्किल हो और वो टेक्नोलॉजी हो। इंसान अपने नॉलेज के ताकत के आधार पर, उसकी स्किल के आधार पर और टेक्नोलॉजी की हेल्प से नेचुरल रिसोर्सेज को यूजफुल प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करता है। दैट इज़ वाई ह्यूमन बींग्स आर ए स्पेशल रिसोर्सेज। इसलिए मानव जो है एक विशेष प्रकार का संसाधन है। पीपल आर ह्यूमन रिसोर्सेज, एजुकेशन एंड हेल्थ हेल्प इन मेकिंग पीपल वैल्यूबल रिसोर्सेज। अब एजुकेशन और हेल्थ दो ऐसे फैक्टर हैं जो ह्यूमन बींग्स को बहुत ही महत्वपूर्ण संसाधन में बदल देते हैं। इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ पीपल्स स्किल सो दैट दे आर एबल टू क्रिएट मोर रिसोर्सेज इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। और जो लोगों की स्किल है, निपुणता है नए नए संसाधनों को क्रिएट करने में, उसे हम ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कहते हैं। तो अभी तक आपको शायद ही क्लियर हो गया होगा बच्चों अच्छी तरह से कि रिसोर्सेज क्या हैं, रिसोर्सेज के टाइप्स कितने हैं। अब ये रिसोर्सेज हैं, हमने पढ़ा कि कुछ रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड क्वांटिटी में हैं, कुछ अनलिमिटेड क्वांटिटी में हैं। तो फॉर एग्जांपल आप कल्पना कीजिए कि धरती जो है उस पर पानी सूख जाए, सारे जो डिफरेंट फॉर्म्स हैं वाटर्स की, नदियाँ, झीलें, सागर सूख जाएँ, सारे पेड़ काट दिए जाएँ, कोई शेड नहीं हो, कोई आपको खाने के लिए ना मिले, कुछ पीने के नहीं मिले, तो क्या होगा, कैसा लगेगा? और क्या ऐसा सचमुच हो सकता है? यस, इट्स पॉसिबल, ऐसा हो सकता है। ये ऐसा कब होगा? यदि हमने सावधानी नहीं बरती, यदि हम केयरफुल नहीं रहे, तब ऐसा हो सकता है कि जो रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो उनकी मात्रा बहुत दुर्लभ हो जाए, उनकी क्वांटिटी बहुत कम हो जाए और हमारे लिए बहुत बड़ी परेशानी हो जाए। यहाँ तक कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैं वो तो कैन डेफिनेटली गेट एग्जॉस्टेड, वो तो शायद ख़त्म ही हो सकते हैं, दोबारा आपको उनका उपयोग करने को मिलेगा ही नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? हम बहुत कुछ कर सकते हैं। हम जो रिसोर्सेज हैं, जो ऐसे रिसोर्सेज हैं, चाहे वो लिमिटेड मात्रा में हैं चाहे अनलिमिटेड क्वांटिटी में हैं, फिर भी हमें उनका जो यूज़ है वो बड़े केयरफुली करना है। दिस यूजिंग रिसोर्सेज केयरफुली एंड गिविंग देम टाइम टू गेट रिन्यूड इज कॉल्ड रिसोर्स कंजर्वेशन। व्हाट इज रिसोर्स कंजर्वेशन? रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है कि यदि हम जो रिसोर्सेज हैं हमारे पास उनका सावधानी पूर्वक यूज़ करें और उन्हें दोबारा रिन्यू होने का समय दें, उसे हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। बैलेंसिंग द नीड टू यूज रिसोर्सेज एंड ऑल्सो कंजर्व देम फॉर द फ्यूचर इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए, जो हमारी ज़रूरतें हैं उसमें हम एक बैलेंस बनाएं और उसका वेस्टेज ना करें, और जो फ्यूचर जो हमारी जनरेशन्स हैं उनके लिए उन संसाधनों का हमें बनाए रखना है, संतुलन बनाना है हमें, कि हमारी जो आवश्यकताएं हैं वो हम पूरी करें लेकिन उनको वेस्ट ना करें, और जो आने वाली जनरेशन्स हैं उन्हें भी ये संसाधन हमने उपलब्ध करवाने हैं ताकि फ्यूचर में उन जनरेशन्स को किसी प्रकार की परेशानी नहीं हो। सो देर आर मैनी वेज ऑफ कंजर्विंग रिसोर्सेज। अब रिसोर्सेज को कैसे कंजर्व किया जाए, इसके भी हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं। ईच पर्सन कैन कॉन्ट्रीब्यूट बाई रिड्यूसिंग कंजप्शन, रिसाइकलिंग एंड रीयूजिंग देम। देखिए, सबसे पहले तो आप जो संसाधन हैं उनका आप कम से कम प्रयोग करें, मीन्स अपनी ज़रूरत पूरी करें लेकिन उसको वेस्ट ना होने दें। रिसाइकल, उसको जो संसाधन हैं उनको हम रिसाइकल कर सकते हैं, पुनः उपयोग कर सकते हैं, रीयूज कर सकते हैं। अल्टीमेटली इट मेक्स ए डिफरेंस बिकॉज ऑल आवर लाइव्स आर लिंक्ड। अब आखिरकार देखिए, चीज़ें एक ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के जीवन से जुड़ी हुई हैं और इनसे एक बहुत हम बड़ा अंतर पैदा कर सकते हैं।
आप क्या कर सकते हैं? तो आप देखिए, अपने घर पर पानी वेस्ट मत करिए। आपको फैंस की ज़रूरत नहीं है, आप उन फैंस को बंद कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बचा सकते हो आप। और ये बहुत आवश्यक है, ये हमें सेल्फिश नहीं होना है, हमें मानव के बारे में सोचना है, ह्यूमैनिटी के बारे में सोचना है और अपना कंट्रीब्यूशन देना है। इसलिए इनका सावधानी पूर्वक प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। तो व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? देखिए, केयरफुली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज सो दैट बिसाइड्स मीटिंग द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द प्रेजेंट ऑल्सो टेक केयर ऑफ फ्यूचर जनरेशंस। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये है कि हम जो रिसोर्सेज हैं उनको उनका उपयोग ऐसे करें कि हमारी आवश्यकताएं तो पूरी हो जाएं, लेकिन हमें जो फ्यूचर में जो जनरेशंस आनी है, जो पीढ़ियां आएंगी, उनकी आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखना है। सो अब अभी तक हमने जो लेसन है वो हमारा कंप्लीट होने को है। आपने अब देखिए, द फ्यूचर ऑफ आवर प्लेनेट एंड इट्स पीपल इज लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन एंड प्रिजर्व द लाइफ सपोर्ट सिस्टम दैट नेचर प्रोवाइड्स, देयरफॉर इट इज आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट। जो हमारा जो ग्रह है, प्लेनेट है, उसका जो भविष्य है वो लिंक्ड विद आवर एबिलिटी टू मेंटेन द प्रिजर्व। ये जो लोगों का ग्रह का जो भविष्य है, पेड़ पौधों और परितंत्र जो हमारा है कि सुरक्षा और संरक्षण से जुड़ा हुआ है, हमें इन चीज़ों को बहुत ही सावधानी पूर्वक प्रयोग करना है। देयरफॉर इट इज़ आवर ड्यूटी टू इंश्योर दैट। इसलिए आप, ये हमारा फर्ज बनता है कि हम भी इस संसाधन कंजर्वेशन में मदद करें, और ये सुनिश्चित करना हमारा कर्तव्य हो जाता है। और ये हम कैसे कर सकते हैं, किन चीज़ों का ध्यान रख सकते हैं? ऑल यूजेज ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सस्टेनेबल। देखिए बच्चों, सभी जो नवीकरणीय संसाधनों के उपयोग हैं वो सस्टेनेबल हैं, सतत पोषणीय हैं। द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ इज कंजर्व्ड। पृथ्वी पर जीवन की जो विविधता है उसको संरक्षित किया जाए, उसको बचाया जाए। और वो कब बचाएंगे? जब हम इन रिसोर्सेज को वेस्ट नहीं करेंगे, उनका केयरफुली यूज करेंगे। द डैमेज ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम इज मिनिमाइज्ड। और हमें जो प्राकृतिक पर्यावरण तंत्र है उसको हमने कम से कम नुकसान पहुंचाना है, कम से कम हानि पहुंचानी है। और अगर इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो हम अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकते हैं और आने वाली पीढ़ियों को हम कुछ ना कुछ दे कर जाएंगे। तो आप सभी को ये लेसन अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर दिया गया है, आप इसको घर पर रीड करिए और जैसे जैसे आप रीड करेंगे इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स बनाइए, और जो इसमें एक्सरसाइजेस दी गई हैं टेक्स्टुअल क्वेश्चंस के अंदर, टिक द करेक्ट आंसर, आप इनको करने की कोशिश करिए। थैंक यू।